वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट बिजनेस गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मछली पालन में गोबर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। गोबर के इस्तेमाल से मछली का आकार और वजन में बहुत ही जल्दी विकास होता है। मछली पालक को समय समय पर विशेषज्ञ द्वारा सलाह लेते रहना चाहिए। ये मछली पालक के लिए जरूरी है कि मछली पालने के लिए बरसात से पहले यानी गर्मी के मौसम में तालाब को तैयार कर ले और गोबर चूना का प्रयोग करके मछली उत्पादन में 50% तक की वृद्धि कर सकते हैं। अधिकतर ये देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर तालाब में पूरे साल भर पानी नहीं रहता है, बल्कि ये कहा जाए कि तालाब में 7 से 8 माह तक ही पानी रहता है। जब तालाब सूख जाता है तब तालाब से खर पतवार करके तालाब की जुताई कर सकते हैं। जुताई से निकली मिट्टी किसी से बेच सकते हैं या तालाब के बांध को सुधार कर सकते हैं। जुताई के बाद 250 किलो चूना प्रति हेक्टेयर के दर से बारिश के 15 दिन पहले करना चाहिए। मछली के बीज डालने से पहले कच्चा गोबर का प्रयोग करना चाहिए और जाल चला लेना चाहिए। इसके बाद ही तालाब में मछली का बीज डालना चाहिए। इसके बाद मछली का आहार से मछली का उत्पादन करना चाहिए। इसमें मछली का उत्पादकता अधिक होगी और आपका आमदनी दोगुनी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो अपने तालाब में बोरी में भरकर गोबर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।